हाय गाइस स्वागत है आप सबका हमारे फिर से एक नए व्लॉग में। एंड आज हम पूरे जोश के साथ, पूरी जज्बा नया लेके और पूरी तैयारी के साथ निकलने वाले हैं दोबारा से पेंटेड ड्रेस देखने के लिए। कल तो हम देख ही नहीं पाए थे, तो चलते हैं। आप होटल से हमने चेकआउट कर लिया है, बाकी लोगों को बाय बोल देते हैं क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे आसपास घूमेंगे, पता नहीं हम घूम पाएंगे या नहीं। मतलब वो आराम से 6-7 बजे घर भी पहुँच जाएंगे और हमको आई गेस 12 भी बज सकते हैं आज घर पहुँचने में। रात को बहुत टाइम लग सकता है। चलो हाय गाइस, हम निकल रहे हैं। सो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट के लिए खाना भी पैक करवा लिया है, तो चलते हैं अब डायरेक्टली बिना किसी रुके। चल फाइनली इतनी मशक्कत के बाद हम पहुंच चुके हैं पेंटेड हिल्स, और गाड़ी में हमारी जो टेस्ला है उसमें भी चार्जिंग 60% से अब भी है, तो काफ़ी अच्छी चार्जिंग कैपेसिटी बची हुई है, तो अब हम आराम से कहीं और भी निकल सकते हैं। बाकी चलते हैं पेंटेड हिल्स घूमते जल्दी से। और आज का मौसम देखो यार, मस्त धूप निकली हुई है और एक भी बादल के ऊपर मतलब ऐसा मस्त धूप निकली हुई है, तो मज़ा आएगा घूमने में। मगर हवा बहुत तेज चल रही है यार, तो ये जो पीछे आपको दिख रही होगी ट्रेल है, तो बस इतनी सी ट्रेल थी गाइस। ये मतलब सिर्फ 5 मिनट में आई गेस खत्म हो गई ना ट्रेल, ये मतलब हमने वहाँ से हमने स्टार्ट की थी और यहाँ पे ये ख़त्म है ट्रेल, तो सिर्फ 5 मिनट की ट्रेल है बस, बाकी और कुछ है नहीं। बाकी ये आसपास इतने माउंटेन्स आना है यार, कलर जो है इतना मस्त है, दिख रहा है ना, और बहुत सही लग रहा है, बहुत खूबसूरत है यार। और गाइस एक चीज़ अगर आपने नहीं नोटिस की होगी, तो तानिया के कपड़े चेंज हो गया पता नहीं कैसे, तो इसको ये कपड़े मतलब कल पहने थे, अरे कल भी सेम कपड़े पहने थे क्योंकि इसको इन्हीं कपड़ों में फोटो लेनी थी कपड़ों में, तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं चेंज करने का, गाड़ी में चेंज किए थे फोटो खिंचवाने के लिए। आप करते हैं लोग फोटो खिंचवाने के लिए, और क्या मस्त शेप है ना माउंटेन्स की, एकदम ऐसे ट्राइंगल टाइप्स, ट्राइंगल कोन टाइप्स। गाइज ये था पेंटेड ओवरलुक ट्रेल, और अब हम जा रहे हैं पेंटेड कोव ट्रेल पे, जो कि यहाँ से सिर्फ 5 मिनट ही है ना। हाँ, तो ये दूसरा व्यू पॉइंट है यहाँ का, फेमस व्यू पॉइंट, तो चलते हैं उसको देखने के लिए।
सो इस वाले व्यू पॉइंट में क्या है ना, इसमें आपको ये पाथवे सा बना रखा है, तो आपको इसी पे ही चलना है। आप उस साइड पैर नहीं रख सकते, मतलब किसी भी हिल पे या माउंटेन पे। हाँ, मतलब हाँ। पर देख रहे हो ये कितना सूखी हुई जमीन है। ये हो सकता है ये कीचड़ भी हो या फिर कैसा, मतलब कुछ अंदर से कैसा हो, अंदर से कैसा बाहर से वैसे मतलब सूखा सा ही लग रहा है, गीला है ये। इन माउंटेन्स का कलर लाल क्यों है? उसमें लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग और रस्टिंग। हाँ, क्योंकि जैसे ओल्ड मेटल होता है ना, वो रस्ट लग के मतलब वो ब्राउन जैसा हो जाता है, अपना जैसे वो लोहा लोहे पे रस्ट लग जाता है तो ब्राउन हो जाता है, सेम इन माउंटेन्स के साथ भी हो रहा है। तो ये भी इनमें भी रस्ट लग गई है, तो इस वजह से इनका कलर ब्राउन हो गया है। अच्छा, खत्म हो जाएंगे क्या फिर ये? नहीं, बाकी ऊपर ट्रेल है। तो इस व्यू पॉइंट का जो सबसे मेन पॉइंट है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आती है ना, वो ही है ये वाला पॉइंट। मतलब जो पाथवे था ना जहाँ पे वो रेड कलर के माउंटेन्स थे, तो वही अच्छा पॉइंट है जहाँ पे मस्त फोटोज आती हैं। बाकी ऊपर तो मुझे लगता नहीं कुछ है, बट फिर भी देखाते हैं। फाइनली हम लोग ट्रेल के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं, पीक पॉइंट पे। और क्या व्यू है, मतलब पीछे से आपको ये भी दिख रहा है, नदी भी दिख रही है। हाँ, पूरा मतलब। और एक और चीज, जहाँ से अभी हम लोग वापस आए हैं ना, वो भी पूरा दिख रहा है। ये देखो पीछे, मस्त है एकदम। सो गाइस, वो ऊपर देख रहे हो आप, तो ऊपर जाके यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे इसकी ट्रेल खत्म हो जाती है इस वाले व्यू पॉइंट की। बट ये एक और रास्ता है जो कि इनके अपोजिट है, तो अभी हम उसके उधर साइड थे, अब हम इस साइड आ गए, तो ये एक और ट्रेल है, तो इसको भी जाके देख रहे हैं कि कहाँ जाती है ये ट्रेल। चले चलो। जितना ही था पेंटेड कॉव ट्रेल, तो तीन अलग अलग जगह की ट्रैकिंग है इसमें। एक तो ये लाल कलर का माउंटेन है ना, यही मस्त है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे, यहीं पे अच्छी पिक्स आती हैं, बाकी तो ऐवे ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ, देखते हैं कौन सा व्यू पॉइंट हमने और एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद फिर घर के लिए भी निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं तीसरे व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि है केरल, मतलब कुछ ट्रेल है केरल के नाम से, जाके देखते हैं उसका एक्चुअल नाम क्या है। तो वो एक क्विक वीडियो देखेंगे, उसके बाद देखते हैं। वैसे यहाँ पे पाँच व्यूपॉइंट देखने के लिए, जो एक लीफ ट्रेल है और एक ये, और करके बस फिर घर निकलते हैं। पता नहीं, बहुत है यार। गाइस, हमने तीनों व्यू पॉइंट देख लिए हैं और बस अब हम चलते हैं घर की तरफ, घर जाते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है और हमें यहाँ से घर जाने में लगेंगे 6 घंटे। और 6 घंटे मतलब गूगल मैप्स बता रहा है, तो ब्रेक हाँ, भी लेंगे तो उसके साथ बाद वो 7-8 घंटे आराम से हो जाएगा। तो फिर 1-2 बज जाएंगे हमें घर पहुंचते काफी लेट हो जाएगा, तो अभी निकलते हैं बिना किसी देरी के साथ। हाँ, ऑलरेडी 5:45 हो चुके हैं। सो गाइस लेट्स गो। ओ गाइस, अभी हम रुके हैं एक और व्यू पॉइंट पे, तो ये वापस आते टाइम एक बीच में एक व्यू पॉइंट पड़ता है जहाँ से ये मस्त से माउंटेन दिख रहे हैं, देख रहे हो आप पीछे। इसमें क्लोजअप वाली फोटो आप काफी अच्छी चाहिए, एकदम क्लोज। हाँ, मतलब वहाँ पे तो गार्ड्स क्लोज नहीं जाने देते, बट यहाँ पे आप बिल्कुल क्लोज आके फोटो खिंचवा सकते हो आई गेस। और देखो, पता है ये माउंटेन्स कितने साल पुराने हैं? मतलब वैसे तो माउंटेन्स पुराने ही होते हैं, बट ये थोड़े अलग टाइप के माउंटेन्स हैं। मतलब जैसे 500-600 साल पुराने, 500, हाँ मतलब
कई सौ साल पुराने हैं, तो ये वो चट्टान जो होते हैं रॉक्स वाले माउंटेन, वैसे वाले माउंटेन्स नहीं है, तो ये जो माउंटेन्स बने थे ना ये लावा और वो मिट्टी होती है ना, हाँ मिट्टी से मिलके, तो तब जाके ये माउंटेन्स बने और तभी इनका ना ऐसा कलर है अलग अलग सा, मतलब कहीं ग्रीन कहीं रेड। इस व्यू पॉइंट पे आने के लिए यहाँ से आना पड़ा और पूरी गाड़ी के टायर कीचड़ कीचड़ हो गया, वर्थ नहीं था इस व्यू पॉइंट पे आना। चलते हैं गाइस घर की तरफ, अब कहीं नहीं रुकेंगे, बस खाने खाने के लिए रुकेंगे बीच में एक बारी, आई गेस दो बारी रुक सकते हैं, बाकी चलते हैं। इसका फोटो सेशन ख़त्म नहीं होता, हो गया और लेनी है फोटो, हो गया चलो चलते हैं गाइस। तो यही था हमारा पेंटेड हिल्स किया ट्रिप, आई गेस इसके बाद तो पहाड़ वहाड़ आ जाएंगे, उसके बाद फिर पूरा शहर आ जाएगा, पेंटेड हिल्स का लास्ट था तो इसके बाद आई गेस खत्म है, तो बाय बाय पेंटेड हिल्स, बाय बाय चलो। गाड़ी लगा दी पीछे चार्जिंग पे, क्योंकि उसको आधा घंटा लगेगा चार्ज होने में, तो सोच रहे डिनर का जुगाड़ कर ले। 9 बज चुके हैं और इसके बाद से यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है ना सब बंद हो जाएंगे, तो डिनर भी पैक करा के रख लेते हैं, क्योंकि आगे अभी हमें 3-4 घंटे और लगेंगे घर पहुँचने में, तो रास्ते में खा लेंगे। तो वो डेनिस दिख रहा है, ये डेनिस, तो यहाँ से खाना पैक करा लेते हैं, बिकॉज इसका खाना हमें अच्छा लगा था, हमने जहाँ पे भी खाया है वेगस में खाया था तो अच्छा खाना था, तो यही बाकी और तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। डेनिस तो बंद मिला, 9 बजे बंद कर देते हैं वो वेबसाइट पे, उनकी ऑनलाइन 9:30 लिखा हुआ था, बट 9 बजे उसने बोला बंद कर दिया उन्हें। तो अब बर्गर किंग भी आ गए, तो बर्गर किंग से पैक करा लेते हैं बर्गर, एक्चुअली बर्गर खाने का मन था नहीं इसलिए डेनिस पे जा रहे थे, बट कोई नहीं बर्गर किंग से बर्गर ही पैक करा लेते हैं फिर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने घर, और 2 बज रहे हैं अभी रात के, पहुंच गए सही सलामत, थक गई है बहुत थक गई है, तो थोड़ा वो सोकी भी आई है, तो मैं तो सोया भी नहीं। अच्छा बट जो भी है टेस्ला में चलो चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है सो है, मतलब वो कराना पड़ता है, मगर उसमें जो खूबियां भी है ना यार मस्त है, मतलब मेरे को बिल्कुल भी ऐसे थकावट महसूस नहीं हुई गाड़ी चला के, जैसी और मतलब बाकी गाड़ी चला के होती है ना, क्योंकि आज सुबह से लेकर शाम तक रात तक मैंने सिर्फ 20% ही गाड़ी चलाई होगी खुद से, बाकी 80% तो ऑटो पायलट पे ही थी, मतलब अभी भी हम आए ना तो पूरा ऑटो पायलट पे ही थी वो अपने आप, तो मस्त तो ऑटो पायलट पे चला तो मुझे हार्ट अटैक आने को हो जाता है वो जैसे वो गाड़ी टर्न लेने लगती है ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। हाँ वो मतलब 70 की स्पीड पे आप चल रहे हो, 70 की स्पीड पे ही टर्न ले लेती है, तो वो थोड़ा सा मतलब वो स्केरी लगता है, बट ठीक है। एंड दूसरी चीज गाइस, जो हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट थी ना वो $0, मतलब टेस्ला की वजह से कुछ कुछ वही खूबियां भी हैं, बट ठीक है चार्जिंग वाली प्रॉब्लम रहती है कोई बात नहीं। सो गाइस फिलहाल के लिए हम लोग बहुत थक गए हैं, नींद आ रही है बहुत तेज, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।